शायला सहित क्षेत्र भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जन्माष्टमी का पर्व। बाल गोपालों ने फोड़ी मटकियां। शायला कस्बे सहित क्षेत्र भर में कृष्णा जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं क्षेत्र के शायला कस्बे सहित जीवाणा व दहिवा गांव में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। महोत्सव को लेकर विभिन्न गली मोहल्लों में रात्रि को मिट्टी के खाना बनाकर देर रात को जन्म की रस्म निभाई गई। वहीं महिलाओं व बालिकाओं ने भगवान कृष्ण की जीवन लीला के गीतों के साथ नृत्य किया। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर महिलाओं व बालिकाओं ने व्रत रखे। इस दौरान नवीन परिधानों व आभूषणों से सज्जित कर देर रात तक नृत्य के साथ भगवान कृष्ण की लीला पर आधारित गीत के साथ खुशी का इजहार किया। वहीं कृष्ण की प्रतिमाओं का विसर्जन ढोल नगाड़ों व डीजे साउंड के गीतों के साथ किया। जीवाणा में हर साल की भांति इस साल भी जहाँ देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया, तो वह आस्था भाव के साथ श्रद्धालुओं ने माखन सोर के जन्मोत्सव को मनाया। ऐसे ही भक्ति से सरोबार कार्यक्रमों के साथ जन्माष्टमी अलग अलग मोहल्ले एवं घरों में मनाई गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जीवाणा के महादेव मंदिर परिसर में 25 फीट ऊंचाई की मटकी फोड़ी गई। यहाँ पर युवा मंडल ने पहुंचे कानाओं की टोली ने 3 स्तरीय मानव श्रृंखला बनाकर मटकी को फोड़ा। उसके बाद सभी भक्तों ने प्रसाद लिया। जीवाणा में कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम का आयोजन 2 दिन रखा गया व शाम को 56 भोग का आयोजन किया गया। राधा कृष्ण की झांकियां और नृत्य व भजन एवं लड़कियों एवं औरतों ने गीत गाकर घूमर नाच प्रस्तुत किए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम व भक्तिमय वातावरण में मनाई गई। इस दौरान कार्यक्रम में समस्त ग्रामवासी पहुँचे व बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। राधा कृष्ण के गीत व सुंदर भजनों पर बच्चों ने जमकर नृत्य किया। भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं भव्य गीतों के साथ महिलाएं व युवा झूमते नजर आए।